इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में और साथ ही साथ एक और शेयर्स को यहां पर कवर करने वाला हूं जहां पर कंपनी आपको एक शेयर के बदले 30 शेयर देने जा रही है। जी हां दोस्तों, लेकिन क्या आपको उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या अब आपके पास मौका बन रहा है प्रॉफिट बुकिंग करना, सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहेंगे अडानी पावर के बारे में। वैसे तो अडानी पावर और अडानी वेलमार को लेकर एक डिटेल वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं आज के दिन, लेकिन आज के दिन अडानी पावर टाटा एलेक्सी लिमिटेड को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर MSCI इंडेक्स के अंदर अब हमें जो मई के मंथ में यानी कि मिड मे के मंथ में जो MSCI इंडेक्स की लिस्ट डिक्लेयर होने वाली है उसमें अडानी पावर के साथ में टाटा एलेक्सी का भी नाम इंक्लूड होने की खबर निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं MSCI में एड, बैंक ऑफ बड़ौदा, अडानी पावर एंड अदर स्टॉक्स टू इंडिया इंडेक्स इन नेक्स्ट रिव्यू। तो यहां पर लगभग 485 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आने की इनफ्लो की बात करी जा रही है। सबसे पहले मैं इस न्यूज के ऑथेंटिसिटी आपको चेक करवा देना चाहता हूं। डेट और टाइम आप देख सकते हैं 22 अप्रैल 2022, आज ही के दिन ये न्यूज निकल कर आई है। इसमें आप देख सकते हैं एज मच एज 485 मिलियन यूएस डॉलर इनफ्लोस कुड बी कमिंग टूवर्ड्स 5 डोमेस्टिक स्टॉक्स इफ दे एंड अप गेटिंग एडेड टू द MSCI यानी कि मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडाइसेस, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडेक्स है। इन द अपकमिंग सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू एनालिटिक्स एट एमके ग्लोबल सेड इन अ रिसेंट रिपोर्ट, एमके ग्लोबल सेड दैट बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा एलेक्सी, NMDC, अडानी पावर एंड AU स्मॉल बैंक कुड एंड अप गेटिंग इंक्लूडेड इन द MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स। तो काफी पॉजिटिव न्यूज है ये। किसी शेयर्स के लिए MSCI इंडेक्स के अंदर ऐड होना एक बहुत बड़ी बात है। अगर अडानी पावर और टाटा एलेक्सी का शेयर्स भी MSCI इंडेक्स के अंदर इंक्लूड हो जाता है तो डेफिनेटली इन दोनों ही शेयर्स के अंदर आपको एक बहुत बड़ी तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है। अडानी पावर के अंदर आज के दिन मार्केट के गिरने के बावजूद हमें 5% की शानदार तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। और वहीं टाटा एलेक्सी लिमिटेड की बात करें तो टाटा एलेक्सी लिमिटेड के अंदर भी आज के दिन हमें यानी कि विद इन अ डे लगभग 6 से 6.25% की शानदार तेजी देखने को मिल चुकी है। तो यदि आपने इन दोनों शेयर्स के अंदर खरीदारी कर रखी है तो अपनी पोजिशंस को लॉन्ग टर्म पर्पज से होल्ड करके चलिए। डेफिनेटली ये शेयर्स आपको बहुत ही शानदार रिटर्न्स फ्यूचर में भी बनाकर देने वाले हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा उस स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जहां कंपनी आपको बोनस प्लस स्प्लिट दोनों ही चीजें देने जा रही है। एक्स डेट की बात करें तो 28 अप्रैल 2022 से 1:2 का बोनस देने जा रही है, यानी कि हर एक शेयर के बदले 2 शेयर बोनस के रूप में, और स्प्लिट देने जा रही है 1:10 के रेशो में, यानी कि हर एक शेयर के बदले 10 शेयर्स कंपनी आपको स्प्लिट के रूप में देने जा रही है। ओवरऑल अगर बोनस और स्प्लिट को हम कैलकुलेट करें तो यदि आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको 30 शेयर देने जा रही है, यानी कि 30 यहां पर टेकअप होते हुए हमें इस शेयर्स के देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी के नाम की बात करें तो प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, जहां पर भले ही आज के दिन आपको 5% की तेजी देखने को मिल रही है लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, एक स्मॉल इन्वेस्टर्स का, बहुत सारों का यहां पर पैसा फंसा हुआ है। क्योंकि अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहां पर सडनली हमें इस शेयर्स के अंदर एक बहुत बड़ी फॉलिंग देखने को मिली थी, जिस कारण से इस शेयर के अंदर हमें एक बड़ा फॉल आते हुए देखने को मिला था और वहां पर रिटेल इन्वेस्टर काफी ज्यादा लॉस बुक करके बाहर हो गए थे। लेकिन अब सडनली हमें इस शेयर्स के अंदर अगेन उसी प्रकार के तेजी देखने को मिल रही है। तो मेरा यहाँ पर पर्सनल आपसे यही एक सजेशन है कि ऐसी हाईली रिस्की कंपनी के अंदर बहुत कम कैपिटल को यानी कि ना के बराबर कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करें अगर आप करना ही चाहते हैं तो। अदरवाइज किसी अच्छे स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहां पर लॉन्ग टर्म पर्पज से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं। प्रो कैपिटल के अगर हम फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट में है लेकिन ओवरऑल कंपनी हाईली रिस्की है। तो यहां पर डिसीजन आपका है, लेकिन मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप काफी अच्छे मुनाफे में हैं तो प्रॉफिट बुक करके आप यहां पर एग्जिट ले सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड को लेकर भी इन्वेस्टर्स के मन में काफी ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं कि इस शेयर्स के अंदर खरीदारी करना चाहिए,
प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो होल्ड करना चाहिए। सबसे पहले दीपक नाइट्राइट की तरफ से आज के दिन जो अपडेट्स निकल कर आई है उसे जान लेते हैं। कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट अनाउंस कर दी है, साथ ही साथ दीपक नाइट्राइट भी अपने शेयर होल्डर्स के लिए फाइनल डिविडेंड देने जा रही है। कंपनी 4 मई 2022 के दिन अपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करेगी क्वार्टर फोर के, और साथ ही साथ फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर करेगी। दीपक नाइट्राइट के अगर हम फाइनेंशियल नंबर्स को देखें तो दिसंबर क्वार्टर में जो नंबर्स कंपनी ने डिक्लेयर करे हैं वो एज इट इज आप देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर से काफी इंप्रेसिव है। तो ओवरऑल कंपनी काफी अच्छे मुनाफे में है, आप यहां पर अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी है, तो यहां पर आप 2200 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC बैंक लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए कल का दिन बहुत ज्यादा खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें कि कल ऐसा क्या है, तो कल कंपनी फाइनल डिविडेंड की अनाउंसमेंट करने वाली है, फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, जिस कारण से कल के दिन आपको इस पर नजर बनाए रखना है। बात करें कि सैटरडे होने के कारण कल ट्रेडिंग बंद है, लेकिन कल जो भी नंबर्स निकल कर आएंगे उसका सीधा इंपैक्ट आपको मंडे के दिन HDFC बैंक की शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा। अब बात करें कि यहाँ पर मर्जर को लेकर दो पैरामीटर्स मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, दो सिनारियो देखने को मिल रहे हैं। कोई इसे काफ़ी अच्छा बता रहा है और कोई इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं बता रहा है, लेकिन मेरा पर्सनली यही आपसे सजेशन है कि यदि आपने HDFC बैंक यानी कि इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कंपनी की प्रोफाइल को, बैंक की प्रोफाइल को, और उसके बाद में आपको डिसीजन लेना होगा। तो अगर मैं पर्सनली आपके सजेस्ट करूं तो HDFC बैंक नो डाउट कंपनी की डिपॉजिट्स काफ़ी अच्छी है, कंपनी के लोन्स एंड एडवांसेस काफ़ी अच्छे हैं, और साथ ही साथ NPA के अंदर भी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर आप HDFC बैंक के अंदर आने वाले 5 से 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिना किसी पैनिक लिए आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो 1310 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए यहां पर अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। अब देख सकते हैं 23 अप्रैल 2022 के दिन कंपनी डिविडेंड की तो अनाउंसमेंट करने वाली है, साथ ही साथ रिजल्ट को लेकर भी बड़ी अपडेट हमें देखने को मिलने वाली है। तो रिजल्ट ऑलरेडी कंपनी यहां पर डिक्लेयर कर चुकी है, जिसमें कंपनी ने काफी अच्छा यहां पर डिक्लेयर किया है, तो यहां पर आप इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। अभी हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफी ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये ऐसा लगता है कि यदि आपको एशियन पेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो इससे सही मौका आपको नहीं मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जिस तेजी से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ये शेयर्स भी आपको काफी चीपेस्ट प्राइस पर, काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर देखने को मिल रहा है। तो यदि आप एशियन पेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगर ये शेयर आपको 3000 रुपए के लेवल पर देखने को मिलता है तो अगेन आप यहां पर बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी को लेकर चल सकते हैं। एशियन पेंट्स के फाइनेंशियल रिजल्ट हमें 10 मई 2022 के दिन देखने को मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए फाइनल डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट करने वाली है, तो यहां पर भी आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं।